ओके तो पहला हमारे पास हो गया नेविगेशनल, जिसके अंदर यूजर एक स्पेसिफिक जगह पे या एक लोकेशन पे जाना चाहता है तो वो सर्च इंजन में उन क्यूरीज को सर्च करते हैं। सेकंड हमारे पास है इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल के अंदर क्या होता है, यूजर किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा होता है, ठीक है। अगर वो उनके पास कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, वो अपना प्रॉब्लम सर्च इंजन में टाइप करते हैं, लाइक हाउ टू मेक टी, ठीक है। तो उसको सर्च करने के बाद इंफॉर्मेशन जो सर्च इंजन से उसको मिलती है, वो इंफॉर्मेशन वहां से गेट करना चाह रहे होते हैं। तो ये सेकंड टाइप हमारे पास होगी। थर्ड टाइप जो हमारे पास होती है वो होती है ट्रांजेक्शनल। अब ट्रांजेक्शनल बेसिकली क्या है कि जब एक विजिटर सर्च इंजन में आके एक क्यूरी को सर्च करता है, सर्च करने के बाद किसी स्पेसिफिक वेब पेज पे जाता है, वहां से जाके कोई ट्रांजेक्शन जनरेट करता है। अब ट्रांजेक्शन जनरेट करने का क्या मतलब हो सकता है, अगर आप लोग एडसेंस की वेबसाइट पे काम करते हैं तो आप डाउनलोड का बटन लगाते हैं वेबसाइट के अंदर, सॉफ्टवेयर डाउनलोड का। एक विजिटर आता है, डाउनलोड कैम्टेशिया एक टूल है, ठीक है। यूजर ये सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आ गया, अब वहां पे डाउनलोड का बटन लगा हुआ है, तो वो डाउनलोड के बटन पे जब क्लिक करेगा बेसिकली, तो एक ट्रांजेक्शन जनरेट हुई है, कोई एक्शन जनरेट हुआ है। तो ऐसे कीवर्ड्स जिनको सर्च करने के बाद यूजर स्पेसिफिक पेज के ऊपर जाए और वहां जाके कोई ट्रांजेक्शन, कोई एक्शन परफॉर्म करे, उनको ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन्हीं कीवर्ड से डील कर रहे होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में, एडसेंस में और इसी तरह डिफरेंट मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम इसी कीवर्ड से जो है वो ताल्लुक रहता है। तो अमेजोन के अंदर भी हम जो है वो इसी कीवर्ड के अराउंड घूम रहे होते हैं, ट्रांजेक्शन जनरेट हो रही होती है, क्योंकि विजिटर बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग का कंसेप्ट ये है, एक विजिटर जब आपकी वेबसाइट पे आता है तो वहां से आपने उसको रेफर करना है कि वो जाके प्रोडक्ट को बाय कर ले। तो वो ट्रांजेक्शन जनरेट होती है जब आपकी वेबसाइट से एक विजिटर किसी दूसरी वेबसाइट पे जाए या डायरेक्ट आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट को बाय कर ले। अगर ई कॉमर्स किया तो वो डायरेक्ट बाय करेगा, वो भी ट्रांजेक्शन है। अगर वो किसी की वेबसाइट से जाके प्रोडक्ट बाय कर ले आपकी वेबसाइट से, वो भी ट्रांजेक्शन है, तो कोई एक्शन जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये होगी तीन टाइप कीवर्ड्स की, नेविगेशनल, ट्रांजेक्शनल और इंफॉर्मेशनल। अगली जो चीज है वो है कीवर्ड इंटेंट। कीवर्ड इंटेंट जो है वो बहुत मैटर करता है जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। मोस्टली जो बिगिनर्स होते हैं वो यहीं पे मिस्टेक करते हैं, जब वो कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं तो कीवर्ड के पीछे जो इंटेंशन होती है उसका जो है ना वो पता नहीं होता कि इस कीवर्ड के पीछे जो आने वाला विजिटर है बेसिकली वो किस इंटेंशन के साथ सर्च इंजन में वो क्यूरी सर्च कर रहा है और वो क्या एक्शन जनरेट करना चाह रहा है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी स्क्रीन शेयर करके। स्क्रीन शेयर हो तो प्लीज बताइएगा। स्क्रीन आ रही है आप लोगों को, मुझे कंफर्म करें प्लीज चैट में। चैट बॉक्स नहीं ओपन हो रहा। ओके ठीक है। अभी मैं एक क्यूरी जो है वो सर्च इंजन में टाइप करता हूँ, आपने लाइक अभी उसके ऊपर जो फोकस नहीं करना, ये किस टाइप की क्यूरी है। अरे यार ये कौन है, एक सेकंड, सॉरी गाइज, ये कोई ना तंग कर रहा है हमें, तो उसका मुझे सिर्फ सॉल्यूशन निकाल लेने दें। कुछ लोग होते हैं उनको सुकून नहीं आता ना, वो खुद भी कुछ नहीं करना चाह रहे होते और किसी को भी कुछ नहीं करने देते। तो लेट मी सी, मुझे एक मिनट दीजिएगा जरा। ठीक है, यार ये क्या है, ये तो रिमूव ही नहीं हो रहा। ये आप लोगों को ब्लैक कलर की लाइंस आ रही हैं ये स्क्रीन पे। हाँ अब रिमूव हो गई है, हाँ अब रिमूव हो गई है, मुझे कंफर्म करें जरा। ठीक है यार, जो भी कर रहे हैं प्लीज, मैंने फिलहाल तो डिसेबल कर दिया, लेकिन एटलीस्ट अगर आपका मकसद तंग करना है तो प्लीज यार आप कुछ और करें जाके, हमें हमारा काम करने दें, ठीक है। थैंक यू। ओके तो मैं बात कर रहा था कीवर्ड इंटेंट की। कीवर्ड इंटेंट में आपने जो देखना होता है कि जो कीवर्ड एक जो भी आप सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो जो कीवर्ड्स आपको मिलते हैं
उन कीवर्ड्स के पीछे जो यूजर आएगा जब सर्च इंजन में उनको सर्च करेगा तो उसकी इंटेंशन क्या होगी, आपने उस इंटेंशन को फिगर आउट करना है, उसी बेस पे आपकी जो वेबसाइट है उसकी सक्सेस और फेलियर का जो है वो डिसीजन होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन के अंदर हमें कीवर्ड की टाइप है बेस्ट इलेक्ट्रिक शेवर। ठीक है, इलेक्ट्रिक शेवर एक प्रोडक्ट है। अब बेस्ट इलेक्ट्रिक शेवर जो है ना, ये जो कीवर्ड है, अब इसके पीछे आपने किस तरह से पता करना है कि इसका जो इंटेंट है वो क्या हो सकता है। ठीक है, अब जब कीवर्ड को सर्च करेंगे आपके सामने डिफरेंट साइट्स आ जाएंगी। ठीक है, अब आपने करना ये है कि एक दो या तीन साइट्स को ओपन कर लेना है और उनको ये देखना है कि वो किस स्ट्रेटेजी के साथ उन्होंने उस कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है। ठीक है, टॉप थ्री टॉप फाइव मोस्ट रेलेवेंट रिजल्ट्स होते हैं, आपने साइट्स को ओपन करना है इस तरह से। ठीक है, और ये देखना है कि किस मॉडल के ऊपर वो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं थोड़ा सा रीड करता हूँ आर्टिकल को, और यहाँ से मुझे जो नजर आ रहा है, बेसिकली मैं खुद से नहीं बताना चाह रहा, जो मुझे आर्टिकल में नजर आ रहा है मैं वो देख के आपको बताता हूँ कि ये क्या है। ठीक है, वन सेकेंड। तो बेसिकली ये यहाँ पे जो है एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इस जो पेज के ऊपर। और अगर मैं किसी आर्टिकल पे किसी प्रोडक्ट पे शॉप नाउ पे चला जाऊं, अगर लेट्स सी ये कैसे जो बाय होता है, तो ये मुझे अमेजोन पे लेके जा रहा है। दैट मींस कि ये जो वेबसाइट है इस कीवर्ड के थ्रू अमेजोन पे टारगेट कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कीवर्ड से जो विजिटर आ रहा है इस वेबसाइट से, वो जा रहा है अमेजोन पे और वो वहां से बाय कर रहा है। तो इस कीवर्ड के पीछे जो इंटेंशन है ना, वो ये है कि यहाँ इस कीवर्ड से आने वाला बंदा प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है और उसको बाय करना चाह रहा है। ठीक है, इसी तरह अगली साइट को देख लेते हैं, मेक श्योर करने के लिए कि हाँ वाकई इस कीवर्ड का यही इंटेंट है। अगेन लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट पे अमेजोन का लिंक लगा हुआ है। ठीक है, ये देखें मैं ओपन कर देता हूँ एक प्रोडक्ट, ये हमें अमेजोन पे लेके जाएगा अभी। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि हाँ इस टाइप का जो कीवर्ड होगा उसके ऊपर आप किस टाइप का कंटेंट और किस टाइप की मोनेटाइजेशन इनेबल कर सकते हैं। आपने अपनी मर्जी से फिगर आउट करना है, आप एडसेंस करना चाह रहे हैं, आप अमेजोन करना चाह रहे हैं, आप सीपीए करना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं, हर मोनेटाइजेशन टाइप के लिए जो इंटेंट होगा कीवर्ड का वो डिफरेंट होगा। ठीक है, एडसेंस के अंदर जो कीवर्ड जो यूजर सर्च करते हैं उनकी टाइप डिफरेंट होगी, उनका इंटेंट डिफरेंट होगा। अमेजोन के अंदर उनका इंटेंट डिफरेंट होगा, इसी तरह सीपीए के अंदर, इसी तरह ई कॉमर्स के लिए, इसी तरह और जितनी भी हमारे पास कैटेगरीज आ जाएंगी उन सब के लिए हर किसी का अपना अपना जो है वो टाइप और इंटेंट होता है। अब अमेजोन की अगर हम बात करें, एक सेकेंड में ये पेजेस कट कर लूँ यहाँ से। ओके, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अब ये तो मुझे पता चल गया, ये तो मुझे पता था कि ये अमेजोन का है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इस बेस्ट के वर्ड को हटा के इलेक्ट्रिक शेवर सर्च करता हूँ। अब सबसे पहले मेरे पास एक साइट आ गई, दूसरी साइट आ गई, बेस्ट इलेक्ट्रिक शेवर, फाइंड द बेस्ट इलेक्ट्रिक शेवर्स। ठीक है, तीन हम साइट्स ओपन कर लेते हैं। सबसे पहली जो मेरे पास साइट आई है वो आई है फिलिप्स की। फिलिप बेसिकली एक ब्रांड है, और अगर आप कंपेयर करें इस साइट को पहले वाले कीवर्ड के साथ, तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बाय कर रहा है यहाँ से यूजर आके, ये ई कॉमर्स पे आ गया। ठीक है, अमेजोन पे चले जाएं, ये भी डायरेक्ट प्रोडक्ट, जहां से प्रोडक्ट डायरेक्ट बाय होगी ये वहां पे लेके आ गया। तो इस कीवर्ड के पीछे जो इलेक्ट्रिक शेवर का वर्ड है, इस कीवर्ड के पीछे जो इंटेंशन है वो ई कॉमर्स है, एफिलिएट नहीं है। एफिलिएट वो होता है जिसके अंदर यूजर को प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लेना होता है और वो इंफॉर्मेशन लेता है पहले, फिर इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपके आपने जो उसका सोल्यूशन दिया होता है उसके बाद वो जाके प्रोडक्ट को बाय करता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक और क्वेश्चन टाइप कर लूं, ये एक कीवर्ड है, हाउ टू यूज एन इलेक्ट्रिक शेवर। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब मैं तीनों आर्टिकल खोल के देखता हूँ कि ये किस तरह से टारगेट कर रहे हैं आर्टिकल को। ओके,
सिंपल कीवर्ड की नेचर से भी आपको लग रहा होगा कि ये एक इंफॉर्मेशन टाइप आर्टिकल है जिसके अंदर यूजर जो है वो ये इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक शेवर को यूज करते हैं, ठीक है। अब हम एफिलिएट में जब हम काम करते हैं तो हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज के थ्रू इन सब कीवर्ड्स को जो है वो जिनका इंटेंट थोड़ा बहुत भी रेलेवेंट हो जाए हमारे जो सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको अपने सेल की तरफ ले आते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को भी, ठीक है। लेकिन जो असल बात बताने का मकसद ये है कि आपने कीवर्ड्स के अंदर डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा कीवर्ड हाईली रेलेवेंट है सेल से और कौन सा कीवर्ड लेस रेलेवेंट है। जो पहला कीवर्ड था बेस्ट इलेक्ट्रिक शेवर, वो हाईली रेलेवेंट था। क्यों? क्योंकि उसके टॉप पे जो साइट्स आ रही थी वो डायरेक्ट Amazon के affiliate links के थ्रू आपको monetize किया हुआ था उन्होंने अपने blogs को। जो हमारे पास second keyword था electric shaver, उसमें top पे e-commerce की sites आई थी। अब ये third keyword है how to use an electric shaver, तो इसके अंदर जो है वो information है, ठीक है। तो ये चीजें जब आपको पता हो जाएंगी, पता होंगी कि हाँ इस टाइप के कीवर्ड पे मुझे इस तरह का विजिटर मिलेगा, इस टाइप के इस तरह का, तो जब आप रिसर्च कर रहे होंगे आपको उसी वक्त आइडिया हो जाएगा कि मेरी वेबसाइट के ऊपर किस टाइप का कीवर्ड आना चाहिए, ठीक है। अब माइट पॉसिबल एक बंदे को कीवर्ड इंटेंट का नहीं पता, ठीक है, वो स्टार्ट कर लेता है लेट्स से हाउ टू यूज एन इलेक्ट्रिक शेवर के ऊपर। अब हाउ टू यूज एन इलेक्ट्रिक शेवर का मतलब ये है कि एक बंदे के पास मोस्टली चांसेस ये हैं कि इलेक्ट्रिक शेवर है, वो ये देखना चाह रहा है कि यूज कैसे करना है। तो अब शेवर तो उसके पास ऑलरेडी है, अब आपने एक साइट बना ली है हाउ टू यूज एन इलेक्ट्रिक शेवर के ऊपर, अब वो बंदा आके शेवर के इंफॉर्मेशन ले लेगा, अपने आर्टिकल डाला है, वो पढ़ के चला जाएगा, आपको यार सेल्स नहीं आ रही, ठीक है। इंटेंशन का ये असल बेनिफिट है कि जब कीवर्ड इंटेंट का आपको पता है कि किस कीवर्ड से आने वाला विजिटर बाय करेगा और किस कीवर्ड से आने वाला विजिटर बाय नहीं करेगा, तब आपकी साइट की जो रिसर्च है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अंडरस्टैंड कर गए ये बात आप? प्लीज मुझे कंफर्म करें। चलिए सही है। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे भी इस चीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम फेस हुई थी, तो इस चीज़ को बेसिकली जो है ना अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी होता है आपके, अगर आप साइट के ऊपर लाइक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अपना टाइम लगा रहे हैं, अपने रिसोर्सेज लगा रहे हैं, और अगर आप सही डायरेक्शन में ही नहीं जा रहे तो फिर उस इन्वेस्टमेंट का, उस रिसोर्सेज का फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है कि आपने कीवर्ड का इंटेंट फाइंड करना है, क्या ये कीवर्ड आपके लिए जो है वो वैल्यूएबल है, फायदामंद है या नहीं है। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हाँ अब हम जब आपने अच्छा अब एक और चीज आपने ये डिसाइड कर लेनी है कि आप किस मोनेटाइजेशन मेथड के लिए अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं ये करवा रहा हूँ, जो सीरीज में करवा रहा हूँ ये है अमेज़न एफिलिएट से रिलेटेड, तो मैं अमेज़न एफिलिएट के लिए ही चीजें करवाऊंगा, ठीक है। बाकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, हम उनको कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी डोमेन नहीं है, हमारा फोकस सिर्फ Amazon affiliate के ऊपर ही होगा। Got it? अच्छा, ये आप लोगों को क्लियर है, प्लीज मुझे मेक श्योर कर दें, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो अभी बता दें, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट चलूंगा तो फिर यहाँ अगर इसमें मसला हुआ तो फिर आगे मसला होगा। ओके, मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। कीवर्ड इंटेंट का मैं बता रहा था आपको कि कीवर्ड इंटेंट बेसिकली आपने जब रिसर्च करनी है तो उस कीवर्ड के पीछे इंटेंशन, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जो भी आपको कीवर्ड्स मिलते हैं उन कीवर्ड्स के पीछे जो इंटेंशन है उसको फाइंड करना है। उसको कैसे फाइंड करना है? कीवर्ड को सर्च करें, टॉप दो तीन साइट्स को ओपन करें, उनको देखें वो किस तरह से उन्होंने अपने कीवर्ड को मोनेटाइज किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बल्कि अगर आप देखते हैं कि हाँ ठीक है ये अमेज़न के लिए मोनेटाइज है, वो कीवर्ड आपका ठीक है। अभी मैं इससे नेक्स्ट जो चीज बताऊंगा आपको फर्दर मेक श्योर हो जाएगा कि कीवर्ड को किस कैटेगरी में फॉल करता है वो, ठीक है। जब साइट का स्ट्रक्चर बनाना है, कीवर्ड का जो हम बेसिकली पूरा पैटर्न बनाते हैं एक वेबसाइट के लिए, मैं वो आपको आगे आपको बताऊंगा, तो फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कीवर्ड को जब आप सर्च करेंगे तो जो साइट्स आपको शो होंगी उनसे आपने ये डिसाइड करना है कि ये कीवर्ड किस टाइप का है, ठीक है। गलत कीवर्ड चूज कर लिया तो आपको सेल्स नहीं आएंगी, सही कीवर्ड चूज कर लिया तो अच्छी सेल्स आएंगी, बस ये चीज का ख्याल करना है आपने, ठीक है। जहीर भाई, ई कॉमर्स की बेसिकली हम लोग बात नहीं कर रहे, हमारा अमेज़न से है। ई कॉमर्स में सिर्फ ये होता है कि प्रोडक्ट डायरेक्ट यूजर आके वेबसाइट से बाय करता है, तो उसके अंदर जो कीवर्ड की नेचर है वो और होती है, अमेज़न एफिलिएट में और होती है, ठीक है। चलें, हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो जो नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करता हूँ, अभी काफी चीजें करने वाली हैं इसके अंदर। आतिफ भाई, ये तब आएगा जब आपने कीवर्ड चूज कर लिया होगा, अभी तो मैं बता रहा हूँ कीवर्ड होता क्या है, थोड़ा सा वेट करें।
नेक्स्ट हमारे पास है कि अभी मैं क्वेश्चंस नहीं देख रहा, सॉरी, आप लोग प्लीज सुन लें। नेक्स्ट हमारे पास है कि अमेजोन में जब आपने काम करना है तो किस किस टाइप के कीवर्ड्स अमेजोन में कवर करने हैं आपने, गिव मी वन सेकंड प्लीज। ओके, तो अमेजोन के अंदर आपने मैं आपको पैटर्न देता हूं एक ये पैटर्न है जी, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, फाइल भी मैं शेयर कर दूंगा, कोशिश करूंगा मैं फाइल शेयर कर दूं। तो मैं बताता हूं बेसिकली इसमें हमारे पास अमेजोन एफिलिएट की जो वेबसाइट होती है उसके अंदर 4 से 5 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट, इसको इंटेंट बेस पे आप कैटेगराइज कर लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बायर गाइड सबसे पहले है, सेकेंड नंबर पे कंपेरिजन, थर्ड नंबर पे रिव्यूज, फोर्थ पे इंफॉर्मेशनल और फिफ्थ में क्वेश्चन आप एड कर लें, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चंस इंफॉर्मेशनल में आ जाता तो एक ही चीज है वो, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। ओके, बायर गाइड क्या होती है? बायर गाइड के अंदर जो बेसिकली कीवर्ड टाइप्स होती हैं वो, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, बेस्ट प्रोडक्ट, टॉप प्रोडक्ट, चीप प्रोडक्ट, इसी तरह, मतलब ये लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं सारी कवर नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको आइडिया बताना है ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ Amazon की जब साइट बनानी है तो इस टाइप के कीवर्ड भी होते हैं, इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं और इस टाइप के होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बायर गाइड में किस टाइप के कीवर्ड होते हैं। जब मैंने पहला पैटर्न जो है वो बेस्ट प्लस प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये है कि जब आप सर्च इंजन में टाइप करेंगे बेस्ट प्लस, का मतलब ये है कि उसके साथ अटैच कर देना, प्लस लिखना नहीं है आपने, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक शेवर है, एक प्रोडक्ट आपके पास जो है मोनिटर है, CPU है, उसके अलावा माउस, ग्राफिक्स कार्ड, तो ये प्रोडक्ट्स हैं। तो आपने करना ये कि बेस्ट वाला वर्ड और प्रोडक्ट को कंबाइन करना है, बेस्ट इलेक्ट्रिक शेवर, इलेक्ट्रिक शेवर एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली कीवर्ड है ये है बाइंग गाइड कीवर्ड। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये जो जो कीवर्ड बन रहा है बेसिकली वो है बेस्ट इलेक्ट्रिक शेवर। अब इस कीवर्ड को अगर आप थोड़ा सा उर्दू में ट्रांसलेट कर लें तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक शेवर सबसे अच्छा कौन सा वाला है। जब मैं किसी से पूछता हूँ कि हाँ यार इलेक्ट्रिक शेवर सबसे अच्छा कौन सा है, तो वो मुझे बताएंगे कि हाँ यार ये वैसे मार्केट के अंदर फिलिप्स का है, ये भी ब्रांड है, ये भी ब्रांड है, ये भी ब्रांड है, जो सबसे अच्छा ना अगर आप प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये वाला है। अगर आप देखो ना ड्यूरेबल कौन सा, ज्यादा लॉन्ग टर्म कौन सा चलता है, वो ये वाला है। अगर आप देखो कि कौन सा चीप है, वो ये वाला है। तो ये जब नॉर्मल डिस्कशन हम लोग किसी के साथ करते हैं तो ये हमारा उस डिस्कशन का पैटर्न होता है। तो अगर आप उसको इस कीवर्ड के ऊपर ले आए कि बेस्ट इलेक्ट्रिक शेवर, तो उसका मतलब ये है कि आपने एक आर्टिकल ऐसा बनाना है जिसके अंदर आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक आर्टिकल में कवर करना है, और उस आर्टिकल के अंदर आपने ये बताना है कि यूजर को कि हाँ ये वाला इलेक्ट्रिक शेवर भी है, ये वाला है, ये वाला है, 5 से 7 से 10 इलेक्ट्रिक शेवर्स होंगे उसमें, प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मैं इलेक्ट्रिक शेवर एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद आपने ये उन प्रोडक्ट्स के बारे में यूजर को हेल्प करना है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले है हमारे पास एक वेबसाइट फोर्ब्स, ठीक है। ओके, इसमें होता है बेसिकली क्या है कि सबसे पहले यूजर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है थोड़ी सी इलेक्ट्रिक शेवर्स के बारे में कि क्या क्या होते हैं, किस तरह से देखना चाहिए, कैसे सारा कुछ करना है, ठीक है। उसके बाद अभी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, सिर्फ जिस चीज पे फोकस करना है वो है कि कीवर्ड की टाइप्स क्या क्या होती है अमेजोन के अंदर, इनके अंदर क्या आता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मैं इसके ऊपर अलग वेबिनार करूंगा। अभी हमारे पास सिर्फ 8 मिनट है, हमारा सेशन ओवर हो जाएगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये एटलीस्ट टाइप्स कवर हो जाए। तो ये जो हमारे पास बेस्ट का बेस्ट बाइंग गाइड का आर्टिकल होता है, इसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक आर्टिकल के अंदर कवर होती हैं। अब ये फर्स्ट प्रोडक्ट आ रही है, इसी तरह हमारे पास नीचे चले जाएं तो सेकंड प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। ये देखें, ये प्रोडक्ट पिक्चर्स आ रही हैं आपको साथ साथ नजर आ रहा होगा। इसी तरह थर्ड प्रोडक्ट है, इसी तरह फोर है। तो 5, 7, 10, 15, 20 मैंने 25 भी देखी है, 35 भी देखी है एक आर्टिकल के अंदर। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो बाइंग गाइड वाले आर्टिकल्स होते हैं 2000-3000 वर्ड से लेके 5000-7000-10000 वर्ड्स तक भी जाते हैं, ठीक है। डजंट मैटर, कीवर्ड की आर्टिकल की लेंथ मैटर नहीं करती, लेकिन 2000-3000 स्वीट स्पॉट है, ओके। तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट और जो फुटप्रिंट्स हैं वो बेस्ट के साथ अगर आप लगा लें चीप का वर्ड। अब एक बंदा सिर्फ चीप इलेक्ट्रिक शेवर देखना चाह रहा है कि कौन से ऐसे इलेक्ट्रिक शेवर है जो चीप है, उनमें से अच्छा कौन सा है, तो चीप इलेक्ट्रिक शेवर भी बाइंग गाइड है। इसके अंदर मैं 10 चीप इलेक्ट्रिक शेवर दिखा के उसको कहूंगा कि हाँ ये वाला इस लिहाज से बेस्ट है, ये इस लिहाज से बेस्ट है। आपको इस पॉइंट की समझ आ गई है तो प्लीज मुझे चैट में कंफर्म करें। सबको समझ आ गई है?
चलें बेस्ट हो गए। ओके फायद भाई मैं लास्ट में क्वेश्चन लूंगा। सेकंड हमारे पास जो टाइप टाइप है वो है हमारे पास कंपैरिजन की। कंपैरिजन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है। इसके अंदर सिंपल एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो दिया हुआ है नीचे पैटर्न, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास, नहीं तो इसको मेमोराइज कर ले। मैं फाइल भी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर बाद ग्रुप के अंदर। तो इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे तो बेसिकली जो है ना इस चीज का पता है इलेक्ट्रिक शेवर में, चूंकि मैंने काम किया, तो मैं आपको क्विकली एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक है हमारे पास, मैं एक नया सर्च इंजन ओपन करता ओके, जो कंपैरिजन है ना इसके अंदर एक ब्रांड का दूसरे ब्रांड के साथ कंपैरिजन हो सकता है, एक ब्रांड की एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन हो सकता है, एक ब्रांड का दूसरे ब्रांड के साथ फिर तीसरे ब्रांड के साथ कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शंस इसके अंदर आ सकती हैं। एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर देता हूं वो है, एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल रिमिंगटन, ठीक है, देन है ब्राउन सीरीज। अभी खुद ही कीवर्ड बन जाएगा, ये देखें कीवर्ड आ गया, रिमिंगटन F5 वर्सेस ब्राउन सीरीज 3। तो ये बेसिकली है क्या, रिमिंगटन F5 एक प्रोडक्ट है, ब्राउन सीरीज 3 भी एक प्रोडक्ट है, वर्सेस का मतलब है कंपैरिजन। तो इस आर्टिकल को जो बंदा कीवर्ड को जो बंदा सर्च करने आ रहा है उसके माइंड में इंटेंशन ये है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स के दरमियान में डिफरेंस क्या है, कौन सा बाय करना चाहिए कौन सा बाय नहीं करना चाहिए। तो सिंपल कंपैरिजन होता है, इसके अंदर 1000-2000 वर्ड का आर्टिकल होता है जिसमें एक जो है वो प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया जाता है, साथ साथ दूसरी प्रोडक्ट के फीचर्स को एक्सप्लेन किया जाता है एट अ टाइम, बताने के लिए कि कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं बेस्ट है। ठीक है, ये क्लियर है तो प्लीज मुझे कंफर्म करें, मैं आगे मूव करूं। जी बस अभी चार्जर से मैं दूर हूँ, 5 मिनट हमारे पास रह गए हैं पीछे, प्लीज मुझे कंफर्म करें। ओके आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया, कंफर्म है ना, सिंपल है, इसमें कोई वो मुश्किल चीज नहीं है। ओके नेक्स्ट हमारे पास है रिव्यूज। रिव्यू बेसिकली सिंपल सिंगल प्रोडक्ट का रिव्यू होता है, जिस तरह हमारे पास एक, मैं यहीं से एग्जांपल ले लेता हूँ, ब्राउन सीरीज 3 स्पेस रिव्यू। तो ये वाला जो आर्टिकल है जो कीवर्ड होगा ना इसके पीछे जो यूजर आ रहा है उसके माइंड में इंटेंशन ये है कि ब्राउन सीरीज 3 के बारे में मुझे रिव्यू चाहिए, ये कैसा है, अच्छा है बुरा है, चीप है या ड्यूरेबल है, क्या है, उसको नहीं पता, वो आपसे पूछना चाह रहा है, वो सर्च इंजन से पूछना चाह रहा है। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखेंगे, 1000 वर्ड का भी हो सकता है, 1500 वर्ड का भी हो सकता है। उस डिटेल आर्टिकल के अंदर आप ये बताएंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट इस लिहाज से बेस्ट है, इस लिहाज से बेस्ट है या इस लिहाज से बेस्ट नहीं है। ऑनेस्ट अगर आप रिव्यू देंगे तो यूजर खुश होगा। ठीक है, तो आपने फिर उस आर्टिकल के अंदर लिंक लगा देना है जी कि हाँ ठीक है, अगर आपको पसंद है तो बाय कर लें, बाय करने के लिए वो अमेजोन पे जाएगा, आपको कमीशन मिल जाएगा। सेम बायर गाइड के लिए, सेम आपके जो है वो कंपैरिजन के लिए और सेम आपके प्रोडक्ट रिव्यू के लिए, तीनों के अंदर जो है वो एफिलिएट लिंक्स लगेंगे और यूजर वहां से एक्शन जनरेट करेगा, ट्रांजेक्शन जनरेट करेगा। ठीक है, ये क्लियर तो प्लीज मुझे कंफर्म करें। जमान भाई इसके ऊपर बाद में सेशन होगा, प्लीज अभी टाइम शॉर्ट है, इसके ऊपर मुझे कंफर्म करें जो मैं करवा रहा हूँ, हर चीज मैं कवर करवाऊंगा, बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, ओके लास्ट हमारे पास है क्वेश्चन टाइप्स, इंफॉर्मेशनल टाइप। इंफॉर्मेशन में बेसिकली सिंपल यूजर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा होता है, समटाइम यूजर ने प्रोडक्ट बाय कर ली होती है, समटाइम प्रोडक्ट बाय करने वाली होती है। ठीक है, इसके लिए आपने कीवर्ड कैसे निकालने, उसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक वेबसाइट है हमारे पास एंसर द पब्लिक, ये एक वेबसाइट है जहां पे जाके आप अपना सीड कीवर्ड देंगे, सीड कीवर्ड प्रोडक्ट होती है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रिक शेवर है ना, जो प्रोडक्ट का वर्ड होगा आपने वो उसमें इंसर्ट करना है। आई थिंक ये पेड हो गया है, लेट्स नहीं आई थिंक, ठीक है ठीक है ठीक, गेट क्वेश्चंस, ये टूल आप लोग यूज कीजिए, काफी अच्छा टूल है, इसमें हमारे पास ये डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे। वी आर रनिंग योर डेटा, गैदरिंग योर डेटा, ठीक है आ रहा डेटा जी, तो ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आगे है जी, कैन इलेक्ट्रिक शेवर गो इन हैंड लगेज, कैन इलेक्ट्रिक शेवर बी ब्रॉट ऑन प्लेन,
electric shaver go and check luggage. अब for example एक ये keyword है can electric shaver go on plane. अब एक मैं ये इस keyword को search करता हूँ तो ये basically अगर कोई बंदा search कर रहा है ना तो वो ये पूछना चाह रहा है क्या shaver को plane के ऊपर लेके जा सकते हैं या नहीं. तो आप इसके ऊपर एक question का answer लिखेंगे article और उसमें mention कर देंगे हाँ अगर आप airplane friendly shavers buy करना चाह रहे हैं तो ये वाले तीन है. ठीक है, आप informational को भी convert कर सकते हैं अपने visitors में sale के अंदर. तो ये total आपके हाथ में है जो आपके depend करता है कि आप किस तरह से अपने उस question को वो है वो convert करते हैं sale के अंदर. तो ये हमारे पास जो था Amazon के अंदर different types of keywords होते हैं, different intent के जो keywords होते हैं उनको किस तरह से हम लोग cover करते हैं. ये चीजें clear हैं तो please मुझे confirm करें. ओके हमारे पास टाइम शॉर्ट है, मैं इसका ये पार्ट वन इसको कंसिडर कर लें. अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसके अंदर मैं करवाऊंगा कि आपने अमेजोन के लिए लो कंपटीशन कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं. कीवर्ड्स तो मिल जाते हैं, लो कंपटीशन जो इजीली रैंक हो, जिन पे टाइम ना लगे, जिन पे बैकलिंक्स कम लगे, इवन के बैकलिंक्स लगे ही ना, वो आर्टिकल कैसे निकालने हैं, वो कीवर्ड कैसे निकालने हैं आपने, प्लस कंपटीशन को कैसे एनालिसिस करना है, किस तरह से पता चलेगा कि जो कीवर्ड आप चूज कर रहे हैं वो easy to rank है, low competition है. तो ये इंशाल्लाह मैं next webinar करवाऊंगा, date confirm नहीं है, कोशिश करूंगा 3 से 4 दिन के अंदर हो जाए. ठीक है, मैं group के अंदर announce करूंगा, आप लोग please active रहिएगा. और ठीक है, questions please. अरे इतने questions. जी अगर आप ई कॉमर्स पे भी समटाइम रैंक होते हैं, मैंने भी किए हुए हैं, लेकिन टॉप पे आना मुश्किल हो जाता है, बहुत अथॉरिटी देनी पड़ती है. एफबी पे लाइव कल कोशिश करूंगा इंशाल्लाह. ओके बट कीवर्ड पे वो पोस्ट नहीं होगी. रिजवान भाई ये टोटली इररिलेवेंट क्वेश्चन आप कर रहे हैं, प्लीज टॉपिक पे पूछ लें. जो जो चीजें मैं आगे कवर करवाऊंगा उनके